लाइव टीवी एक्सप्रेस हिंदी न्यूज चैनल जो रखता है राज और समाज की हर खबर पर अपनी कड़ी नजर। देश विदेश की खबरों के साथ ही आपके समाज और आसपास हो रही घटनाओं से भी हम कराते हैं आपको रूबरू। तो आइए चलते हैं कुछ खबरों की ओर, जिसकी पड़ताल सिर्फ और सिर्फ लाइव टीवी एक्सप्रेस की टीम करती है। आज की कुछ खास खबरें आप देख रहे हैं लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का। जिले में आज लोकायुक्त पुलिस की बड़ी कार्रवाई हुई। लोकायुक्त पुलिस ने छापामार कार्रवाई करते हुए लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री डीके सिंह को 50,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। लोकायुक्त पुलिस रीवा से प्राप्त जानकारी के अनुसार फरियादी हल्के सोनी की 20 लाख के लंबित बिल के भुगतान के बदले कार्यपालन यंत्री डीके सिंह द्वारा 10% की दर से 2 लाख रिश्वत की मांग की जा रही थी, जिसकी शिकायत फरियादी द्वारा लोकायुक्त रीवा में की गई थी, जिस पर आज लोकायुक्त पुलिस रीवा द्वारा निरीक्षक जिला उलहक के नेतृत्व में 12 सदस्यीय टीम के साथ आरोपी कार्यपालन यंत्री डीके सिंह को उनके कार्यकाल में 50,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। फरियादी द्वारा 10,000 पूर्व में भी दिए जा चुके थे। गिरफ्तारी के बाद आरोपी कार्यपालन यंत्री को कागजी कार्यवाही की जा रही है। आरोपी कार्यपालन यंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत कार्यवाही भी की जाएगी। सब इंस्पेक्टर जिया उलहक रिवा संगरौली से लाइव टीवी एक्सप्रेस विपिन सिंह चंदेल जिला ब्यूरो सिंगरौली की रिपोर्ट। इन्होंने हमसे काम करवाया और काम करवाने के बाद जब भी इनसे हम पैसे की बात करते थे तो ये बोलते थे कि 50,000 लाओ तो कर दे। एक बार इन्होंने कहा कि एक चैन हमारी बच्ची आई सोने की तो दे दो, तो मैंने इनको 125 तोले की चैन दिया। फिर इसके बाद इन्होंने नहीं किया, मैं दलदल में फंसता जाता था। फिर बोले कि सोनी जी 1,00,000 रुपये हमको दो तो आपका FDR रिलीज कर दूंगा, कुछ पेमेंट करवा दूंगा। तो मैं व्यवस्था करके 1,00,000 रुपये ला के दिया। फिर एक दिन मैंने इनसे कहा कि मेरे बच्चे की फीस जमा करना है, सर मेरा पेमेंट कर दें। बोले हट जाओ यहाँ से। फिर मैंने हाथ पैर जोड़ा, फिर इन्होंने कहा कि अच्छा ऐसा करो कि 50,000 लाओ तो पेमेंट करवाता हूँ। वो मिश्रा जी के सामने की बात थी, FDO साहब की। तो मैंने 50,000 रुपये फिर ला के इनको दिया। इसके बाद सर ये हमको टॉर्चर करते गए। जब मैं घर जाता था, जिस तरह चपरासी के साथ बर्ताव नहीं करते, उससे भी बदतर मेरे साथ बर्ताव करते थे। जब भी पैसा आता था इनके यहाँ तो ये क्या करते, जो फर्जी वाला पेमेंट था उसका कर देते। ओरिजिनल मैं काम किया था तो मेरा काम नहीं करते। काम क्या करता? काम मैं बिल्डिंग का बनाता था, रोड का किया हूँ। FDR है हमारे। फिर इन्होंने हमारा टेंडर लगा दिया, परसों बोला 20,000 रुपये ला के दे, वो 50,000 रुपये ला के दे। फिर मैंने आज 50,000 रुपये ले जाके फिर से दिया। इसके पहले आपने शिकायत की हो? मैंने शिकायत किया परसों। हाँ, क्या शिकायत की थी? हमने शिकायत किया कि सर बार बार पैसे मांगते हैं, काम भी नहीं करते। कहाँ शिकायत किए थे? लोकायुक्त रीवा। क्या कहा फिर आपको लोकायुक्त ने? बोले कि आप जाइए और टैप करवा के लाइए। आवाज़ तो मैंने आया, टैप करवाया और आज हमने पैसे ला के दिए और रंगे हाथ पकड़े गए। क्या लगता है आपको न्याय मिल गया? हमको तो हमारी आत्मा संतुष्टि हुई, क्योंकि जैसा मैं गिड़गिड़ाता था, मैं पैर पड़ता था, अब ये आज गिड़गिड़ा रहे हैं। कितने बजे के लगभग की बात है? ये टाइम तो नहीं आते, 3 से 4 बजे। सर आज लोकायुक्त टीम के द्वारा सीधी में कार्रवाई की, क्या है पूरा मामला? पूरा मामला ये है कि अभी तक हल्के सोने ठेकेदार सीधी के रहने वाले बहुत पुराने ठेकेदार हैं। कार्यालय में काम किया, उनका 20 लाख का बिल करीब पेंडिंग है। 10% केवल से प्रभारी ई जो है डीके सिंह साहब, जो अवैधानिक मांग कर उसकी शिकायत हमारे पास आई थी, सत्यापन पश्चात आज टैप कार्रवाई की गई। कितना राशि आपने पता? ये 50,000 रुपये का ट्रैप है आज का हमारा। इसके पहले भी कोई राशि दी गई थी हल्के सोनी द्वारा? इसके पहले 10,000 रुपये और दिए गए थे 2-3 दिन पहले, उसको भी रिकॉर्ड में आ गया। आज दिनांक कौन है सर? खास खबरें, हर खबर को पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और देखते रहें लाइव टीवी एक्सप्रेस।